नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। बीपीएससी बिहार पीसीएस के मेंस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज हम यहाँ पे आपको देने जा रहे हैं। इसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा कि आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, कैसे मेन बॉडी कंटेंट लिखना चाहिए, कैसे कंक्लूड करना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, कैसे कैसे समझना चाहिए, कौन से फ्लो चार्ट यूज करना चाहिए, सारी चीजें इसमें बताएंगे। आंसर राइटिंग का हमारा प्रोग्राम भी चल रहा है, पेड प्रोग्राम भी चल रहा है, उसमें आप पर्सनल गाइडेंस के लिए जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 67 बीपीएससी का पीटी का ग्रुप भी चल रहा है, 66 का मेंस का भी चल रहा है, आगे भी कई सारे ग्रुप चलते रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए 8564805096906089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यह सीरीज बिल्कुल फ्री रहेगी, यह सभी छात्रों के लिए है जो कोई भी कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको गाइडेंस की कमी है। यहां पे आपको सबसे अच्छी तरीके से यहां पे क्वेश्चन दिए जाएंगे, मॉडल क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनसे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है। आप इसको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, आप कोशिश करिएगा जो क्वेश्चन का हमने मॉडल आंसर दिया है उसको आप भी एक बार लिखिएगा और उसको कमेंट पे जरूर जो है लिख के दिखाइएगा, ताकि हम उस पर कमेंट पे फीडबैक दे सकें। ये फ्री का जो है फीडबैक रहेगा, सारे कमेंट अगर आप करते जाएंगे तो उसमें हमारी तरफ से आपको फीडबैक मिलेगा। प्लस इस वीडियो में सब कुछ आपको सीरीज में बताया जाएगा, जैसे यूपी पीसीएस की हमारी सीरीज चल रही है वैसे ही ये भी चल रही है। तो बीपीएससी के लिए, पीटी के लिए तो प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं। इसी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी हम करवा के जोड़ देंगे और प्लस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये भी हम लगातार जारी रखेंगे, ठीक है। फ्री टेलीग्राम फॉलो करके रखिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए कुछ मॉडल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। चलिए शुरू करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लेकर आया है कुछ अत्याधुनिक कोर्सेज यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी और ईपीएफओ के लिए। इनमें हम मेंस, प्रीलिम्स, ऑप्शनल, राइटिंग, टेस्ट सीरीज, इवैल्यूएशन अनुभवी फैकल्टी द्वारा हम करवा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब आज के मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हमने मुख्य चार सेक्टर से क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से, दूसरा है करंट अफेयर, तीसरा है अर्थव्यवस्था है इकोनॉमी, इकोनॉमिकल करंट अफेयर मान लीजिए उसे, और चौथा है आर्ट एंड कल्चर से। इंटरनेशनल रिलेशन में हमने एक चीन नीति, वन चाइना पॉलिसी जो हाल ही में न्यूज़ में थी उस पर हमने विचार किया है, और भारत की इस पर क्या नीति होनी चाहिए, भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए आगे, इस पर हमने इस पर आंसर को मोल्ड करने का प्रयास किया है। दूसरा है विशाखा गाइडलाइंस। हाल ही में प्रिया रमानी और एमजे अकबर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस का एक बार फिर से उल्लेख किया था, तो हम देखेंगे कि ये विशाखा गाइडलाइंस हैं क्या और कब आई थी और ये अभी तक कितना सफल रही हैं, और अगर नहीं रही हैं तो इनमें और क्या सुधार होने चाहिए। अर्थव्यवस्था में राइट टू रिपेयर, मरम्मत का या रिपेयर का अधिकार यूरोपियन यूनियन द्वारा एक अधिकार पारित हुआ है, ये किस तरह से वहाँ की इकोनॉमी में प्रभाव डाल सकता है और भारत को इससे क्या सीख लेनी चाहिए, इस पर देखेंगे। और चौथा है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में हम मंजूषा पेंटिंग के बारे में देखेंगे। अभी तक बीपीएससी में इससे तो कोई प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, लेकिन जिस तरह से पैटर्न वेरिड हो रहा है, मंजूषा पेंटिंग का आना इस बार संभव लग रहा है। और जो व्यक्ति या जो बच्चे 65वीं मुख्य परीक्षा देकर इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी देख रहे हैं तो इस वीडियो को खास देखें, और जिनका घर या जिनकी लोकेलिटीज़ आप भागलपुर या फिर कटिहार ऐसे ही जगहों पर है जो आंध्र प्रदेश में आते हैं, उनको भी ये मंजूषा पेंटिंग जरूर पढ़कर जाना चाहिए, क्योंकि हाल ही में जो पता चल रहा है उससे इंटरव्यू में लोकल क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रवणता दी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन से। व्हाट इज़ वन चाइना पॉलिसी, एक चीन नीति क्या है, एंड इसका भारत में यानी व्हाट इज़ इंडिया स्टैंड ऑन इट, एंड इन द रीसेंट टेंशन विथ चाइना शुड इंडिया विजिट इट, रिविजिट इट, यानी कि एक चीन नीति क्या है, भारत पर इसका क्या रुख रहा है, यानी भारत ने इस पर कैसा रुख रखा है अभी तक विदेश नीति में, और लद्दाख में चल रहे हालिया विवाद के मध्य में भारत को इस पर क्या पुनर्विचार करना चाहिए, तो वो हम देख लेते हैं। यानी कि क्वेश्चन में मुख्य तीन पार्ट पर विषय है। पहला है कि चीन नीति क्या है, भारत का उस पर क्या रुख है, और हालिया विवाद यानी कि आप देख रहे होंगे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लद्दाख में हो या अरुणाचल में हो या देपसांग वैली पर हो या गलवान घाटी पर हो, अभी कुछ रिट्रीटमेंट शुरू तो हुई है लेकिन देपसांग में अभी भी संघर्ष बना हुआ है, और उसे देखते हुए क्या हम अपनी विदेश नीति में कुछ बदलाव कर सकते हैं, ये एक कमेंट का क्वेश्चन यानी कि व्यू पॉइंट के रूप में क्वेश्चन है, तो आंसर भी उसी तरह से हमें देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को आपको बताना है कि 21वीं सदी का जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है
वह एक डायनामिक वर्ल्ड पॉलिटिक्स है जिसे मुख्यतः कंट्रियाँ या देश जो हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट में उसको साथ दी हैं. ओके, सो कंट्रीज आर ड्रिवन बाय देयर नेशनल इंटरेस्ट एंड दैट इज़ व्हाई दे आर ऑन द डिफरेंट साइड्स एट डिफरेंट लेवल करस्पॉन्डिंग टू देयर नेशनल एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, बी इट इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, मिलिट्रिकल और आइडियोलॉजिकल. एंड दैट इज़ व्हाई इन द चेंजिंग टाइम्स इंडिया शुड ऑल्सो बी करेंटली लुकिंग ऑन इट्स इंटरेस्ट रादर देन द आइडियोलॉजी टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट. एंड इन दैट केस इफ इट डिमांड्स टू रिविजिट इट्स वन चाइना पॉलिसी इंडिया शुड नॉट हेजिटेट टू रिकन्सिडर इट. इस तरह का इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं. हिंदी में देख लेते हैं कि 21वीं सदी में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो वैश्विक राजनीति जो है वो गतिशील प्रगति के हैं. यानी कि 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं जो वैश्विक राजनीति या कूटनीति है वो गतिशील है. गतिशील मतलब ये कोई एक स्टैंड पर फिक्स नहीं है. अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग देश अलग अलग समय पर अपनी राय रख सकते हैं, अलग अलग गुटों में जा सकते हैं. डिपेंड करता है कि उनकी आर्थिक नीति या उनकी स्ट्रेटजी में क्या बढ़ावा कर रहा है. यानी उनके हितों की रक्षा करने के लिए वो अब कहीं भी जा सकते हैं. पहले का ज़माना नहीं रहा जब आइडियलिज्म आगे होता था, आदर्शवाद आगे होता था. अब यथार्थवाद का समय है, रियलिज्म का समय है. इन वर्ड्स को यूज़ करके आप अपना इंट्रोडक्शन को और वेरिड और मल्टी एस्पेक्टोरल बना सकते हैं. अब चलते हैं इसके बॉडी की तरफ कि व्हाट इज़ वन चाइना पॉलिसी, एक चीन नीति आखिर में है क्या. तो एक चीन नीति जो है वो मानती है PRC यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को. ठीक है, इसे मुख्यतः डिंग जियोपांग जो चाइनीज़ प्रीमियर थे डिंग जियोपांग उन्होंने प्रस्तावित किया था. और ये वन स्टेट टू कंट्री यानी कि एक राज्य और दो देश यानी कि चीन तथा ताइवान ये मानते हैं कि दोनों एक ही राज्य है. पॉलिटिकल साइंस में जैसे कि आप जानते हैं कि राज्य का जो डेफिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि टेरिटरी, लोग, गवर्नमेंट और बाउंड्री, जो टेरिटोरियल बाउंड्री होती है और सवर्निटी. तो इस राज्य के कॉन्सेप्ट में ये मानते हैं कि चीन और ताइवान तो है तो एक ही राज्य लेकिन वो दो अलग अलग देश हैं यानी एक ही राज्य का पार्ट है. और इसीलिए चीन ये कहता है कि कोई भी ताइवान से डिप्लोमेटिक यानी कूटनैतिक संबंध नहीं बना सकता है. या तो ताइवान से बनाइए या तो फिर चीन से ही बनाइए, दोनों में से किसी एक के साथ यहाँ बना सकते हैं. यानी इनडायरेक्टली ये धमकी की ही तरह है कि ताइवान जो है वो चीन का पार्ट है और ताइवान से कोई और देश किसी भी तरह की कूटनैतिक और राजनीतिक संबंध नहीं बना सकता बिना चीन को कॉन्फिडेंस में लिए. यह है एक चीनी नीति. ठीक है, और ये ताइवान को ताइवान नहीं बल्कि चाइनीज ताइपेई के नाम से पुकारता है. तो ये एक चीन नीति का पार्ट है. अब देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है यानी किस वजह से ये एक चीन नीति आई. तो 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की हार हुई हिरोशिमा नागासाकी में बमबारी के बाद, और जो ताइवान का जो लैंड था वो मेनलैंड चाइना के अंदर आ गया जो पहले जापान के अंदर था. और उसके बाद 1949 में चीन में साम्यवाद यानी कम्युनिज्म का उदय होता है और उसे उदय के अंतर्गत जो रूलिंग कौमितांग पार्टी है उसको मेनलैंड चाइना को छोड़कर भागकर ताइवान में जाकर बसना होता है. उनके साथ कुछ वहाँ के रॉयल्स भी होते हैं यानी कि राजशाही के कुछ परिवार भी होते हैं और वो मेनलैंड चाइना से हटकर ताइवान में जाकर बस जाते हैं और अपनी सरकार को वहीं से चलाते हैं और उनका नाम देते हैं गवर्नमेंट इन एग्जाइल. ठीक है, निर्वासित सरकार. जिस तरह से तिब्बतियों के दलाई लामा भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इन एग्जाइल है यानी कि उनकी तिब्बत की सरकार भी वो अपने आप को एक अलग सरकार मानते हैं और भारत में है वो प्राइम मिनिस्टर इन एग्जाइल हैं. इसी तरह से ताइवान में भी वो गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाते हैं. और इसी को काउंटर करने के लिए चीन ने वन चाइना पॉलिसी का प्रस्तावना दी थी. और ताइवान जो है अपने आप को क्या कहता है ROC और चीन अपने आप को क्या कहता है PRC पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान अपने आप को कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना. तो इन दोनों के जो बीच की नीति है, इन दोनों के बीच के मतभेद है उसको दूर करने के लिए चाइना ने लाया है एक चीन नीति. यानी कोई भी देश ताइवान को ना माने वो चीन को माने. चीन एक ही है पर उसके दो अलग अलग टेरिटरीज हैं लेकिन चीन एक ही हैं. आप ताइवान से किसी भी तरह के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध नहीं रखेंगे. अगर रखेंगे तो फिर चीन के साथ आप नहीं रख सकते. इस तरह से इनडायरेक्टली एक धमकी भरी नीति है अपने टेरिटरी को सिक्योर करने के लिए. अब देखते हैं कि भारत का इस पर क्या रुख रहा है. तो भारत का शुरू से ही 1949 से ही इसको सपोर्ट करता है. नेहरू जी बड़े आदर्शवादी व्यक्ति थे और उन्होंने दूसरे के इंटरनल मैटर्स में कभी इंटरफेयर करने का सोचा भी नहीं और
हमेशा से इसका समर्थन करते हैं, और इसीलिए जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया और कब्जा किया तो उन्होंने भी इसका कभी विरोध किया नहीं, बल्कि यूएनएससी में आपको पता होगा कि चीन की फॉर्मल एंट्री भी भारत ने ही करवाई और यूएसए ने फिर इसे 1972 में इस पॉलिसी को माना। लेकिन ताइवान को अलग अलग फोरम ने सपोर्ट भी किया, जहाँ पर मल्टीलेटर यानी कि बहुराष्ट्रीय संगठनों में उसकी एंट्री भी करवाई, एज अ नॉट एज अ नेशन बट एज अ पार्टी, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन हो या एपीईसी हो, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन हो, इस तरह के संगठनों में यूएस ने ताइवान की मदद भी की। अब हाल ही में आपने देखा होगा कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भी ताइवान को एंट्री को लेकर यूएस समर्थन में था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उनकी कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स हुई और ताइवान ने उसको मेंबरशिप नहीं मिली। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भारत का रुख बड़ा ही इसमें अच्छा रहा है, उसने कभी इसका विरोध किया नहीं। लेकिन अब हालिया स्थितियां बदल रही हैं, तो क्या भारत को क्या रुख अपनाना चाहिए? रिव्यू। चाइना हैज़ नेवर एक्सेप्टेड पीओके। अब चीन ने कभी भी पीएके को, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा तो माना नहीं, तो हम क्यों उनके वन चाइना पॉलिसी को माने? जब आप हमारे पार्ट को नहीं मान रहे हैं तो हम भी नहीं मानेंगे। इसी तरह से वो लद्दाख और अरुणाचल पर भी दावा करते आया है, उसके साथ साथ वो सीपैक पर भी काम कर रहा है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जबकि उसको पता है कि वो जो हिस्सा है पीओके वो भारत का हिस्सा है, हम उस पर क्लेम करते हैं। तो जब आप हमारी संप्रभुता नहीं मान रहे हैं तो हम आपकी संप्रभुता भी क्यों माने? ठीक है, अब टाइम्स आर चेंजिंग, समय बदल रहा है, भारत पुराना भारत नहीं रहा, 1962 का भारत नहीं रहा, ये 2021 का भारत है जो एक अच्छी आर्थिक और मिलिट्री पावर है, और इसे हराना और इसके साथ लड़ने के लिए आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। और जिससे अभी हमने देखा कि जिस तरह से चीन ने आगे बढ़कर एलएसी में घुसपैठ की थी, उसका जवाब हमने भी उसी तरह से एलओसी में आगे बढ़कर, जब अपने इंपॉर्टेंट हाइट्स कैलाश रेंज पे जब हमने हाइट्स को ऑक्यूपाई कर लिया, तब उनके समझ में आया कि नहीं, ये वो भारत नहीं है, और वो पीछे हटने लगे। अभी भी देपसांग में कुछ तनाव है, लेकिन गलवान से वो धीरे धीरे अब जा रहे हैं। तो इसी तरह से बुली टू अ बुली, ठीक है, जैसे को तैसा वाली रणनीति को अपनानी चाहिए। और ये जो है रिवैल्यूएशन, अगर हमको ज़रूरत पड़े तो इसको रिएविलेट करने में हिचकना भी नहीं चाहिए। और डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी या कूटनीति में, मैसेजों का बड़ा मोल होता है। अगर सिर्फ आप ये भी कह दें कि वी विल रिकंसिडर इट, तो एक भारी प्रभाव डाल देता है, बजाय इसके कि सही में रिकंसिडर करने के। और इसी तरह से हम चीन पर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर, कूटनीतिक दबाव बनाकर अपने हितों को साध सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। आपको कहीं भी इसके अगेंस्ट साउंड नहीं करना है, बट इसको एज एन ऑप्शन दिखाना है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ भी ब्लैक एंड वाइट हम नहीं रख सकते, उसमें हर तरह की पॉसिबिलिटी को दिया जाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। व्हाट इज विशाखा गाइडलाइन? रिसेंटली विशाखा गाइडलाइन वाज इन न्यूज़, व्हाट इज़ इट एंड इवेल्युएट, यानी कि इसमें तीन प्रश्न है। पहले तो पूछा है कि विशाखा गाइडलाइन है क्या चीज़, और उसका इवेल्युएशन कीजिए, यानी कि उसकी समीक्षा करिए। जिस चीज़ के लिए विशाखा गाइडलाइंस को दिया गया था, विशाखा दिशा निर्देश को जिस चीज़ के लिए लागू किया गया था, क्या वो अपने उद्देश्य में सक्षम रही है, और अगर नहीं रही है तो उसके आप मेजर्स दीजिए, उसके सोल्यूशन या समाधान दीजिए कि कैसे उसको और ज़्यादा प्रबल और सक्षम बनाया जा सकता है। सो डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ प्रोनाउंस कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्टिंग वुमेन, यानी कि भारत में जहाँ एक तरफ देवियों की तो पूजा होती है, वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि महिलाओं के प्रति अप्रत्याशित रूप से जो है अपराध की बढ़ोतरी हो रही है, और किसी बहुत सारी रिपोर्ट्स में तो हमको महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह, यानी भारत को महिलाओं के लिए सबसे, दुनिया की सबसे असुरक्षित जगहों में से एक भी माना गया है। तो एक तरफ तो जहाँ हम देवियों की पूजा कर रहे हैं, और एक तरफ महिलाओं के प्रति अपराध भी बढ़ रहा है। और इसी को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1997 में एक विशाखा गाइडलाइंस का निर्देश, यानी विशाखा दिशा निर्देश जारी की थी, स्पेशली उनके लिए, उन महिलाओं के लिए जो कार्य क्षेत्र में हैं, और कार्य क्षेत्र में उनके तरह किसी भी तरह की शारीरिक या लैंगिक अपराध ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए इन दिशा निर्देशों का उन्मूलन या इन दिशा निर्देशों का इंट्रोडक्शन किया गया था। इस तरह से आप एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं जो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो और कटाक्ष भी करता हो समाज के ऊपर, क्योंकि अगर ये महिलाओं के प्रति कोई अपराध हो रहा है तो ये समाज की विफलता को ही बताता है, ये एक विफल समाज का ही परिचायक है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं। अब चलते हैं इसके बॉडी पार्ट में। तो बॉडी में पहले देख लेंगे कि विशाखा गाइडलाइंस है क्या चीज़। तो विशाखा दिशा निर्देश क्या चीज़ है? तो ये विशाखा वर्सेस राजस्थान
सरकार में एक केस हुआ था और उसी केस के अंतर्गत सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ये गाइडलाइंस दी थी, जिनके मात्र तीन मुख्य अनिवार्यता दी गई थी, थ्री की ऑब्लिगेशन वर प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड रिडिसल, यानी कि निवारण, निषेध एवं निदान। अब जो भी इंस्टीट्यूशंस थे या जो भी वर्क प्लेसेस थे जिनके यहाँ महिलाओं 10 या 10 से अधिक लोग कर्मचारी की तरह काम करते होंगे, वहाँ पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी कि आंतरिक शिकायत समिति बनाने का लीगली बाइंडिंग यानी कि वैधानिक रूप से बाध्य नियमों का तय किया गया था। दूसरा कि अगर वहाँ पर किसी भी तरह का फिजिकल हैरेसमेंट या सेक्सुअल हैरेसमेंट हो तो उसको कम्प्लीटली आपको मैंडेटरीली रिपोर्ट करना ही करना है। और इन्हीं नियमों को लेकर बाद में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन यानी कि महिलाओं के प्रति कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निषेध एवं निवारण अधिनियम का भी स्थापना की गई थी। इन्हों नियमों को लेकर संसद ने फिर एक नया कानून भी पारित किया। तो ये एक विशाखा गाइडलाइंस है। ये क्यों न्यूज़ में है? ये न्यूज़ में इसलिए है, जब प्रिया रमानी और एमजे अकबर के बीच में जब केस हुआ तो केस ने प्रिया रमानी का जो डिफामेशन केस था एमजे अकबर जी का, उसको इसलिए मानने से मना कर दिया क्योंकि प्रिया रमानी जी को ये अधिकार है कि वो कम से कम अपनी सुनवाई यानी राइट टू हैव अ लीगल हियरिंग का अधिकार है, क्योंकि उस समय विशाखा गाइडलाइन या शी बॉक्स इस तरह के कैंपेन्स या मीटू मूवमेंट जैसे कैंपेन नहीं थे और इसलिए उन्हें प्रॉपर फेयर चांस नहीं मिला होगा अपनी बात को रखने के लिए। यह मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको राइट टू बी हर्ड यानी राइट टू सुने जाने के अधिकार के तहत उनके केस को एक्सेप्ट किया है। अभी एम जे अकबर को दोषी करार नहीं दिया गया है लेकिन उनका ये केस एक्सेप्ट किया गया है इस कमेंट्स को देते हुए, ठीक है। तो ये भी आप अगर चाहें तो अपने आंसर में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ये आपके आंसर में करंट के पॉइंट की इंक्रीमेंट करेगा। अब देखते हैं इस विशाखा गाइडलाइन या दिशा निर्देशों का इवेल्युएशन यानी कि किस तरह से इसकी समीक्षा की जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है कि NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो गृह मंत्रालय के अंदर आता है, जो अपराधों का एक ब्यौरा रखता है, उसके हिसाब से इंडिया में जो महिला के प्रति जो अपराध है वो बढ़ ही रहे हैं और रोज़ 87 रेप रोज़ हो रहे हैं, रेप केसेस रोज़ आ रहे हैं। तो इस गाइडलाइंस का कुछ ऐसे तो कुछ खास पालन हो नहीं रहा, जिसमें से 7% जो है इंक्रीमेंट हुआ है और हर 7 में से यानी कि हर 10 में से 7 महिलाएं जो किसी कार्य क्षेत्र में हैं वो किसी न किसी तरह से छोटे या बड़े लेकिन लैंगिक उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। तो इस तरह से ये जो गाइडलाइंस है, ये जो दिशा निर्देश जिस उद्देश्य के साथ लागू किए गए थे वो उद्देश्य को ये नहीं पा सकी हैं, उसमें अपनी सफलता में ये असफल रही हैं। तो अब हमें इनको एक मेजर यानी कि सॉल्यूशन आगे देना होगा। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो और ज़्यादा कठिन, कड़े एवं व्यवहारिक लॉ लाएं, ताकि पुराने लॉ को बदल कर, जो कि आजकल सोशल मीडिया हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, मीडिया की पावर बढ़ गई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक और व्यवहारिक कानून लाने की ज़रूरत है। जैसे कि शी बॉक्स, आपने देखा होगा कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में एक शी बॉक्स नाम का प्रावधान किया गया है। वो इस तरह का एक कंप्लेंट बॉक्स होता है जहां महिलाएं इस तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की कंप्लेंट जाकर गुमनाम तरीके से डाल सकती है और उन पर कार्रवाई भी होती है, ठीक है। और एथनिक टीचिंग और एथिकल टीचिंग ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि बच्चों में मोस्टली क्या हो रहा है कि ये जो महिलाओं के प्रति अपराध है ये एक सामाजिक अपराध है, इसमें सामाजिक को भी आगे बढ़ने के आना होगा। और इसीलिए बच्चों की जो एजुकेशन है, हमारी एजुकेशन सिस्टम में एथिक्स, मॉरल साइंस, इन सब विषयों का बहुत कम एज से ही सिखाया जाए ताकि बच्चों में आगे से जाकर महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़े और इस तरह की घटनाएं वो ना करें जब बड़े हों। यानी कि हमारे यहाँ जो समाज में लोग रह रहे हैं वो कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं और इन घटनाओं को जो अंजाम दे रहे हैं वो समाज का ही पात्र हैं और कभी ना कभी वो स्कूल तो गए होंगे। अगर उन्हें ये पहले ही सिखा दिया जाए कि इस तरह का करना, यही ये करना एक अपराध है, यह गलत चीज़ है, तो हो सकता है कि इसमें एक सामाजिक सुधार आए और ये जो है एक सामाजिक सुधार से ही सुधरेगा। इस पर कानून से ज़्यादा सामाजिक सुधार की ज़रूरत है। इस तरह से लिखकर आप इसे कंक्लूड भी कर सकते हैं और फास्ट एक्ट कोर्ट्स हो या इजी रिड्रेशल हो या अलग से महिला पुलिस थाने हो, इस तरह के पॉइंट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था दूसरा आंसर। अब बढ़ते हैं तीसरे आंसर की तरफ। व्हाट इज़ राइट टू रिपेयर, ठीक है। यूरोपियन मार्केट में अभी राइट टू रिपेयर यानी कि राइट टू रिपेयर काफ़ी प्रचलित हुआ है, ये क्या है और भारत को इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। बड़े ओपन एंडेड सा क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है। डेवलप्ड इकोनॉमीज स्पेशली इन द OECD यानी कि जो डेवलप्ड नेशंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है मोर एंड मोर दे आर पुशिंग टुवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ
टू ऑगमेंट द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो साथ ही साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी भी बनी रहे, इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो है सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं, और इसी कदम के तहत राइट टू रिपेयर भी एक ऐसा कदम है जो पर्यावरण को भी लाभ पहुंचाएगा और आर्थिक रूप से स्थिरता भी प्रदान करेगा। कैसे करेगा वो हम देखते हैं। अब राइट टू रिपेयर है क्या? राइट टू रिपेयर हैज़ बीन इनेक्टेड बाय द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने इसे लागू किया है। ये मुख्यतः यह एक नियम है या एक प्रावधान है, एक मैंडेटरी रूल है कि वो कंपनियां जो अपने कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बना रही हैं उनके स्पेयर पार्ट्स फाजिल पुर्जों का भी निर्माण करेंगी ताकि वो 10 साल तक मार्केट में रहें। मान लीजिए कि आप कोई मोबाइल ख़रीदते हैं और उसके कुछ चार्जर में या डेटा केबल में या पिन में या जैक में कुछ ख़राबी आ जाती है एक साल के अंदर ही, और अगर उसका कोई स्पेयर पार्ट मार्केट में ना मिले तब तो आपको फिर नया मोबाइल लेना पड़ेगा। तो इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए कंपनियों से ये निर्देश दिए गए हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके स्पेयर पार्ट्स आप इस तरह से बनाएं ताकि आने वाले 10 वर्षों तक उनके हर एक स्पेयर पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल रहें। इसी को कहते हैं राइट टू रिपेयर। और जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उनकी टिकाऊट यानी कि ड्यूरेबिलिटी को भी आपको इंश्योर करना आपकी ड्यूटी होगी। आप कम ड्यूरेबल सामान नहीं बना सकते। हम देखेंगे अब आगे कि इसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी यूरोप में खास करके। ठीक है, व्हाई इट वाज इनेक्टेड? सो इट वाज इनेक्टेड टू हिट द प्लांट ऑब्सोलेंस। प्लांट ऑब्सोलेंस क्या चीज़ है? प्लांट ऑब्सोलेंस यह कंपनियों की एक मानसिकता होती है, यह पॉलिसी होती है कि वो जानबूझकर ऐसे सामान बनाते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाएं और ज़्यादा टिके नहीं, और जिस वजह से कस्टमर को या कंज्यूमर को बार बार उनसे सामान लेना पड़े और उनकी इकोनॉमी को चलती रही। मुख्यतः बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं जो की ब्रांड वैल्यू होती है, एक बार आप ब्रांड वैल्यू बन जाते हैं उसके बाद आपकी क्वालिटी पर कोई इस तरह का क्वेश्चन नहीं करता। तो आप जानबूझकर इस तरह के सामान बनाएं कि इनकी ड्यूरेबिलिटी कम हो और लोग फिर क्या करें, दूसरा नया अपडेशन खरीदने की कोशिश करें और बार बार नए अपडेट नए वर्जन्स लेने के चक्कर में उनकी इकोनॉमी तो बढ़े लेकिन जो आम व्यक्ति है आम आदमी है उसके जेब से पैसा बेहतर रहे और वो कंजम्पशन में जाए इसके बजाय कि उसे जो इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। ठीक है, तो कंपनीज इंश्योर दैट देयर प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम सच कंपोनेंट्स दैट डजंट लास्ट लॉन्ग। और इसी संबंध में पुर्तगाल में आईफोन 6 के खिलाफ एक केस अभी चल रहा है, तो इसको भी आप जोड़ के एक अपने सर को प्रमाणिकता दे सकते हैं यानी कि ऑथेंटिसिटी दे सकते हैं बाय गिविंग एन एग्जांपल। नाउ हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प? तो ये किस तरह से लाभकारी होगा? तो इससे क्या होगा कि ई वेस्ट की जो समस्याएं हैं, अब बार बार हर साल नई चीज़ नए वर्जन लेने के चक्कर में क्या हो रहा है कि जो हमारे पास ई कचरा है जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है वो बार बार बढ़ते जा रहा है, उसके संगठन संचयन प्रबंधन में दिक्कतें आ रही हैं। तो इस चीज़ पर ये राइट टू रिपेयर पॉलिसी लगाने से ई वेस्ट में ई कचड़े में कमी आएगी, रिसाइकिलिंग को बढ़ावा मिलेगा। चेक ऑन द कंज्यूमरिज्म कल्चर, जो उपभोक्तावाद है। ठीक है, कंज्यूमरिज्म कल्चर मतलब क्या होता है कि हर व्यक्ति को उपभोक्ता मानकर कैसे किसी की जेब से पैसा निकलवा कर हम अपने सामान को बेचते हैं उसे कंज्यूमरिज्म कहते हैं, और उस उपभोक्तावाद से निजात मिले। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि आजकल सोसाइटी में या समाज में हम देख रहे हैं कि हमको एक नई नई चीज़ नए नए ब्रांड के प्रति ज़्यादा आकर्षण है, फिर एक साल बाद फिर कोई नया ब्रांड आ जाएगा, फिर कोई नई वर्जन, तो हम सामानों का ख़रीदारी पॉपुलरिज्म बेसिस पर कर रहे हैं ना कि क्वालिटी बेसिस पे। और इसी तरह से जो आजकल का खास करके युवा है वो पॉपुलैरिटी पे ज़्यादा फोकस्ड है बजाय इसके क्वालिटी पे, और यह भी एक तरह की सामाजिक समस्या ही है जो ई कचड़े को जन्म दे रही है। तो उस कचरे का निवारण किससे होगा? इस राइट टू रिपेयर एक्ट से। दूसरा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे जितने ज़्यादा ई कचरे उसमें सिलिकॉन कॉपर लिथियम पोटेशियम कैडमियम हेवी सॉल्ट इस तरह के मटेरियल यूज़ होते हैं तो उनकी जो है संख्या कम होगी और एनवायरमेंट में या पर्यावरण में जो है उस पर असर कम पड़ेगा। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? तो जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में लगा सकते हैं जिससे देश की इकोनॉमी बढ़ सकती है जिसका अच्छा रिटर्न मिलता है, उसके बदले हम क्या करते हैं कि नई नई चीज़ें खरीदते हैं, जिसकी ज़रूरत ना हो वो भी चीज़ें खरीदते हैं। तो हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट से हटा के कंजम्पशन में जो लगा रहे थे वो बढ़ेगा, और यूरोपियन मार्केट जो है अपना पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा सकेंगे जिससे उनके देश को और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से मदद करने वाला। आप देखेंगे भारत को इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो हाउ शुड इंडिया गेट
तो भाई भारत की भी जनसंख्या तो बढ़ रही है, और 2050 से पहले पहले हम दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी, घनी आबादी वाले देश बनने वाले हैं, और हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक का भी यूज़ हो रहा है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कचरे में भी सबसे आगे हो जाएंगे। तो इन पॉलिसी को विचार में देखते हुए एक विजन रखकर हमें इस पर काम करना होगा। लेकिन ये भी ध्यान देना होगा कि इस पॉलिसी को हम एब्रप्टली यानी अचानक से ज़बरदस्ती ना लागू कर दें। जो भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी हितधारक हैं हमारे पास, उन हितधारकों से बात कर कर इसे ग्रेजुअल मैनर में लगाया जाए, ताकि अर्थव्यवस्था पर कोई अचानक नुकसान ना पड़े। आपको पता है कि COVID-19 के बाद हम धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, अब उसमें से इस तरह का कोई स्ट्रिंजेंट मेजर, हार्श मेजर क्या करेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान में डाल सकता है। तो इस तरह से हितधारकों से बातचीत करके हमें इस पॉलिसी का अपने फॉर्म में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मंजूषा पेंटिंग के बारे में बताइए। अभी तक तो BPSC में मिथिला पेंटिंग हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम, इन पर क्वेश्चन आए हैं। मंजूषा पर अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन यह भी एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, और अगर पूछ लिया तो इस प्रति आपको एक मॉडल आंसर आपके पास एक रेडी होना चाहिए, खास करके उन लोगों के लिए जो बिहार में रहते हैं, जो अंग प्रदेश यानी भागलपुर, कटिहार, मधेपुरा, ओके, इन जगहों पर रहने वाले लोगों को इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। सो इसका इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं कि बिहार की भूमि ने अनेकों कला और कौशलों का जन्म हुआ है, जिसमें से मंजूषा पेंटिंग एक खास है। उसकी खासियत यह है कि यह कलाकृतियों के जरिए यानी पेंटिंग्स के जरिए कहानियों का वर्णन करती हैं, कथाओं का वर्णन करती हैं। एक सीरीज, एक सीक्वेंस ऑफ पेंटिंग होती है, उन सीक्वेंसेस में यानी पेंटिंग के एक के बाद एक के बाद एक सीक्वेंस बनती है, और वो सीक्वेंस जो है एक कथा और एक कहानी से जुड़े होते हैं। अलग अलग चित्र, जैसे कि अलग अलग एक तरह का एक स्लाइड शो होता है जो पेंटिंग्स के रूप में बना होता है, और एक पूरा पूरा कथा का वर्णन करता है। ये बहुत ही पुरानी कला है और बहुत ही एलूसिड यानी बहुत ही डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है। इस तरह की चीज़ें यूज़ करके आप इसे का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अब इनके बारे में कुछ पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो इनका बैकग्राउंड और डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो यह मुख्यतः आंध्र प्रदेश, जो आज के समय में भागलपुर का जो रीजन है, आंध्र प्रदेश जहाँ के राजा कर्ण थे, अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी, देखी होगी, तो जिनको आंध्र राज कहा जाता था, तो उसी कर्ण के प्रदेश में एक लोक विकास यानी कि एक लोक कला थी, जो महाभारत के समय से डेवलप होते चली आ रही है, विकसित होते चली आ रही है। गॉड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ बिहुला एंड बिशारी। दो लोक कथाएं हैं, बिहुला और बिशारी की। बिशारी को देवता की तरह पूजा भी जाता है, तो उन कथाओं से या उन कथाओं को वर्णन करने के लिए मुख्यतः इसका जन्म हुआ है। तो और इसी वजह से उनमें कुछ रिलीजियस एलिमेंट हैं, धार्मिक तत्व भी इन्हीं दो व्यक्तित्व के, इन्हीं दो या जो भगवान हैं उनके आराध्य हैं बिशारी, उनकी कथाओं से लेकर ही ये जुड़ा हुआ है। इस तरह से आप इसका बैकग्राउंड दे सकते हैं। अब देखेंगे इसके कुछ प्रमुख फीचर्स, इसके फीचर्स क्या हैं। तो जैसे कि हमने देखा था मधुबनी पेंटिंग में कि वो भी एक रेखा चित्र था, ये भी एक लाइन पेंटिंग है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके जो चित्रों का आकार होता है वो इंग्लिश के लेटर एक्स जैसा होता है, ठीक है। मुख्यतः चित्रों का जो है अंग्रेजी के एक्स के रूप में प्रस्तुति की जाती है। कोई भी जो इसमें व्यक्ति या ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो मोस्टली एक्स के फॉर्म में बनाए जाते हैं। अगर आप कभी सर्च करें इनकी फ़ोटोज़ तो आप देखेंगे कि व्यक्ति हो या मंदिर हो या देवी देवता, वो सबको एक्स के फॉर्म में बनाया जाता है, और ये लोक कथा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लोक कथाओं का वर्णन करते हैं, जिसमें गुलाबी, हरा और पीला, ये तीन मुख्य कलर होते हैं। जो मधुबनी पेंटिंग में क्या था कि सतरंगी यानी कि रेनबो के सात कलर यूज़ होते थे, इसमें मुख्यतः तीन कलर यूज़ किए जाते हैं। और इसमें पांच विशेष तरह के बॉर्डर होते हैं यानी सीमाएं होती है पेंटिंग के बॉर्डर्स, उन्हें लहरिया, बेलपत्र, सर्प की लड़ी यानी सांप वाली बॉर्डर्स, एंड त्रिभुज यानी ट्रायंगल, और मुखा यानी कि मुख, गौमुख तरह के बॉर्डर का भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये इसका एक बैकग्राउंड हम दे देंगे, स्पेशल फीचर्स। अब देखते हैं इसे कुछ फेमस पेंटिंग्स और आर्टिस्ट। इनमें कुछ फेमस पेंटिंग है चंदू सौदागर, शिवलिंग की पूजा, शिव और पार्वती और मनसा देवी। मनसा देवी को माइथोलॉजी में या धर्म ग्रंथों में शिव की पुत्री कहा जाता है, जो नागों की देवी हैं, उन मनसा देवी की काफ़ी इसमें चर्चा होती है। चंपा पुष्प, चंपा एक तरह का पुष्प होता है जो भागलपुर के एरिया में होता है, उनका भी काफ़ी वर्णन है। और फेमस कलाकार कौन कौन से हैं, तो चक्रवर्ती देवी, निर्मला देवी और मनोज पंडित। मनोज पंडित के बारे में आप और एक चीज़ लिख सकते हैं कि उन्हें मंजूषा कला में मंजूषा कला गुरु पुरस्कार मिला है, जिसे भारत बिहार सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो इस तरह से आप अपना आंसर
कंप्लीट कर सकते हैं। आज की वीडियो में यही चार क्वेश्चन थे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।